नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 200 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है। तीसरी तिमाही के नतीजे आए हैं, कंपनी के द्वारा अपडेट दिया गया है और डिविडेंड कितना दिया है शेयर होल्डर्स को उसको चेक करते हैं। टोटल इनकम क्या रहा है पावर ग्रिड का, तीसरी तिमाही में क्या परफॉर्मेंस रहा है उसको चेक करते हैं। तो पावर ग्रिड के तीसरी तिमाही के नंबर्स को चेक करते हैं, टोटल इनकम प्रॉफिट मुनाफा क्या रहा है और ईपीएस क्या रहा है और डिविडेंड कितना दिया है शेयर होल्डर्स को उसको देख लेते हैं। और शेयर प्राइस पिछले एक साल के अनुसार देखते हैं तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, जब भी गिरावट होती है ऊपर की तरफ जा रहा है। दोस्तों वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं, स्टॉक मार्केट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें नए नए वीडियोज देखने के लिए। और ग्रिड के Q3 FY22 के नंबर्स को चेक करते हैं, स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये और 31/12/2021 के क्वार्टर में Q3 में जो रेवेन्यू हुआ है पावर ग्रिड का 10,000 करोड़ का है और Q2 में था 9,929 करोड़ का और साल भर पहले 9,676 करोड़ का था। और अदर इनकम को अगर हम प्लस करके देखते हैं और टोटल इनकम की बात करते हैं तो देखिए 10,636 करोड़ का टोटल इनकम है Q3 FY22 में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का और Q2 में था 10,472 करोड़ और साल भर पहले 10,311 करोड़। तो देखिए आसपास ही है, सालाना अगर हम बात करते हैं तो बड़ा है, 10,636 करोड़ का है और Q2 के हिसाब से भी देखते हैं तो बड़ा है दोस्तों। और एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, टोटल एक्सपेंसेस देखिए कंपनी ने किया है 6,357 करोड़ का और Q2 में था 6,246 करोड़ और साल भर पहले 6,359 करोड़। तो देखिए जो रेवेन्यू है पावर ग्रिड का Q3 FY22 में 10,636 करोड़ का है और एक्सपेंसेस है 6,357 करोड़। तो कंपनी को प्रॉफिट आया है, पावर ग्रिड को जो मुनाफा आया है 3,349 करोड़ का मुनाफा है पावर ग्रिड को और साल भर पहले 3,323 करोड़ का था, Q2 में 3,338 करोड़ का था। तो जो प्रॉफिट आया 3,349 करोड़ का पावर ग्रिड को प्रॉफिट आया है और आसपास ही है, ये सालाना भी देखें तो आसपास ही है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से देखें तो आसपास ही है। टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम की बात करते हैं तो 3,335 करोड़ का है और Q2 में 3,444 करोड़ और साल भर पहले 3,333 करोड़। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 4.80 का है और Q2 में था 4.79 का, साल भर पहले देखते हैं तो 4.76 का। तो पावर ग्रिड के जो नतीजे आए हैं, रेवेन्यू 10,636 करोड़ का है, थोड़ा बहुत बढ़ के आया है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी, तिमाही दर तिमाही के हिसाब से भी, साल दर साल के हिसाब से भी। और प्रॉफिट जो है 3,300 करोड़ का आसपास ही है। तो दोस्तों ये पावर ग्रिड के Q3 FY22 के नतीजे हैं। दोस्तों अब डिविडेंड की बात करते हैं, इंटरिम डिविडेंड ₹5 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से दिया गया है और इस डिविडेंड को लेने के लिए और दोस्तों इस डिविडेंड को पाने के लिए 17 फरवरी 2022 रिकॉर्ड डेट है, 17 फरवरी 2022 रिकॉर्ड डेट है। तो कंपनी ने ₹5.50 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का ऐलान किया है, डिक्लेयर किया है 55% का और जो रिकॉर्ड डेट है 17 फरवरी 2022 है, एक्स डेट होगी 16 फरवरी और 15 फरवरी तक जो खरीदारी करेंगे उनको ये डिविडेंड मिल सकता है, 8 मार्च 2022 तक पेमेंट हो जाएगा दोस्तों। तो पावर ग्रिड के द्वारा डिविडेंड भी दिया गया है Q3 FY22 में। अब 200 शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, ₹209.95 में है जो 52-week हाई है इसका ₹220 दोस्तों। और देखिए एक साल के अंदर स्टॉक बढ़कर 220 तक पहुंचा है, पिछले साल फरवरी में 150-160 के आसपास था और जब भी इसमें गिरावट आती है तो बाउंस बैक हो रहा है स्टॉक। देखिए अब ट्रेंड में स्टॉक है, डिविडेंड दिया गया है कंपनी के द्वारा, जिनके पास समय है तो ₹200 का एक तरह से स्टॉप लॉस होना चाहिए, ₹200 के नीचे अगर स्टॉक फिसलेगा तब इसमें कमजोरी रहेगी। कारण ये है कि देखिए नवंबर के महीने में अभी 2-3 महीने पहले ये 180-185 के आसपास था और तेज़ी से स्टॉक ऊपर की तरफ 220 तक पहुंचा है, अपने 52 हाई के आसपास है, स्टॉक अप ट्रेंड में है तो ₹220 का अगर ब्रेक करेगा मान के चलिए 7-10% लगभग 228-235 तक जाता हुआ दिखेगा। और जिनको प्रॉफिट हो रहा है 200 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में अभी भी बने रहना चाहिए और 200 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है, 200 के ऊपर जब तक स्टॉक है तो एक तेजी बनी रहने की संभावना है, अगर मार्केट में गिरावट होगी तो स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। और जो तीसरी तिमाही के नतीजे हैं उसका अपडेट था, कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया गया है। दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।